दो नाव की सवारी करने वाले राहुल गांधी कंफ्यूज हो चुके हैं। राहुल गांधी दुविधा में हैं रायबरेली और वायनाड के लिए। आखिर दोनों लोकसभा सीट में किसका चुनाव किया जाए। दरअसल 2019 के चुनाव में भी राहुल गांधी दो सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें अमेठी सीट पर उनकी हार हो गई। तब वायनाड के रास्ते वो लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह जीत चुके हैं। अब उनके लिए दुविधा इस बात की है कि आखिर वो गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली को चुनेंगे या फिर 2019 में जहां की जनता ने उन्हें सांसद चुना था उसका चुनाव करेंगे। राहुल गांधी के इसी कंफ्यूजन को सोल्यूशन देगा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आई हैव ए डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी। द क्वेश्चन इज Will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? लोकसभा चुनाव की सबसे चर्चित दो सीट जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े और दोनों सीट पर राहुल गांधी की जबरदस्त जीत हुई। अब सबसे बड़ा सवाल है राहुल गांधी इन दोनों सीटों में से किसे चुनते हैं? क्या राहुल गांधी रायबरेली की खातिर वायनाड से दूरी बना लेंगे या फिर वायनाड के लिए गांधी परिवार की सीट से इस्तीफा दे देंगे? फिलहाल इस सवाल का जवाब राहुल गांधी के पास भी नहीं है, क्योंकि पहले रायबरेली की जनता का आभार जताने के लिए उनका रायबरेली जाना और फिर एक दिन बाद वायनाड की जनता के सामने अपनी बात रखना, जिसमें उन्होंने कहा वो कंफ्यूज हैं। आई हैव ए डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी। द क्वेश्चन इज विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड Or will I be member of parliament of Raebareli? I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? हालांकि सूत्रों से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी अपने पास रायबरेली सीट ही रखेंगे, वो केरल की वायनाड सीट छोड़ देंगे। वहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब तक वो वायनाड जाने के लिए इच्छुक नहीं है। सूत्रों का दावा है और संकेतों से साफ है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि यूपी की रायबरेली सीट से वो अपनी सांसदी बरकरार रखेंगे। इसके पीछे का तर्क यह है कि यूपी से गांधी परिवार का लंबा सियासी रिश्ता रहा है। यूपी की रायबरेली सीट से राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से पहले इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से पहले फिरोज गांधी सांसद रहे। लेकिन अगर रायबरेली और वायनाड की बात करें तो दोनों सीट गांधी परिवार के लिए जरूरी है। वायनाड सीट कांग्रेस का गढ़ है। 2019 में वायनाड से जीतकर राहुल गांधी सांसद बने थे, तो रायबरेली में गांधी परिवार का दबदबा है। यहां लगातार गांधी परिवार के सदस्य की जीत होती रही है। 2024 में भी वायनाड की जनता ने राहुल का साथ दिया, तो वहीं रायबरेली में भी आखिरी वक्त में नामांकन के बावजूद जीत मिली। वायनाड में राहुल गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 3,64,000 वोटों से हराया, तो रायबरेली में राहुल ने अपने प्रतिद्वंदी को 3,90,000 वोटों से हराया। ये फैसला तो खुद राहुल जी को करना है, दोनों जगह से वो जीते हैं, कौन सी सीट वो रखेंगे कौन सी सीट छोड़ेंगे। लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल कहा कि दोनों जगह की जनता उनको जिस तरह से उनको इतना प्यार मिला, वहाँ से समर्थन मिला, तो उनके लिए बहुत कठिन फैसला होगा कि किस क्षेत्र को हम छोड़ें। सर, लेकिन ये भी चर्चा है कि राहुल जी रायबरेली रहेंगे और प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़ा सकते हैं। अब ये तो कहा ना कि ये तो उनको फैसला करना। यानी राहुल गांधी का साथ वायनाड की जनता ने दो दो बार दिया, बावजूद इसके वो वायनाड सीट छोड़ने की जुगत में है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अपने परिवार की परंपरागत सीट नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।